हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को मैट्रिक्स का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको। इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्स का वैल्यू निकालना चाहिए, वाई और टी का वैल्यू निकालना है। तो ये टू ही गुना है ना, तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में गुना होगा। यहाँ थ्री गुना हो ना, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में गुना होगा। थ्री है तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में गुना होगा। देखिए गुना करते हैं, यहाँ पे 2x, 2z, 2y और 2t हो गया। ठीक है, अपर बस इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको इस तरह 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, अब 3 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद देखिए इसको हर एक एलिमेंट को यहाँ पे प्लस है तो जोड़े, तो 2x + 3 हो गया, 2x + 3 हो जाएगा, 2z - 3 हो जाएगा। इसको इससे ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो 2t + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर हो जाएगा आपको 9 और 15 12 और 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक एलिमेंट है जो आपको इक्वेट होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3 = 9 हो गया, तो इसका x का वैल्यू निकालें, 2x = 9 - 3 हो गया तो 6 हो गया। x = कितना हो गया, 6/2 हमारा 3 हो गया आंसर। अब देखिए 2z - 3 = कितना हो जाएगा, या 15 है तो यहाँ पे बराबर 15 कर दिए, 2z = 15 - 18 हो जाएगा, तो z = कितना हो जाएगा, 18/2 हमारा 9 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 2y को इससे इक्वेट कर देंगे, 2y = 12 हो गया, तो y = कितना हो गया, 12/2 हो गया, हमारा 6 हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको इससे इक्वेट कर देंगे, 2t + 6 = 18 हो जाएगा, 2t = कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6 है तो इधर आएगा तो -6, 12 हो जाएगा, तो t = कितना हो गया, 12/2 हमारा 6 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको वैल्यू इक्वेट करेंगे। यहाँ पे जब भी x, y, z और t कुछ इस टाइप का रहेगा तो इसका हर एक एलिमेंट को इक्वेट करके x, y, z और t का वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू।